जय माता की दोस्तों, और शरद नवरात्रों की एक बार फिर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस बार मैं आया हूं फर्स्ट नवरात्र के बाद, अभी रात में आया हूं मैं देखने सिर्फ ये जगमगाहट जो चकाचौंध है माता झंडे वाले देवी के मंदिर में। अपने साथ साथ मैं आपको भी दिखाता हूँ, और ये देखिए किस तरह से रोशनी से जगमगा रहा है ये मंदिर। और मंदिर का क्राउड देखिए आप, यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इसीलिए मैं अभी स्पेशली वीडियो बनाने आया हूँ, ताकि आपको घर बैठे बैठे जो लोग नहीं आ पाते उनको डिजिटली दर्शन हो जाए। और दोस्तों, इस बार मैंने फिर से सिंह द्वार से QR कोड के थ्रू ऑनलाइन टिकट बुक की, और उसके बाद मैं यहाँ पर इजीली आया गेट नंबर 1 से। अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो आपको लाइन लगा के आनी पड़ेगी सामने, अभी आपने जो देखा। और अगर आप QR कोड के थ्रू आ रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको इजीली यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन QR कोड की बुकिंग जानना चाहते कैसे, तो मेरे चैनल पे ब्लॉग है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आई बटन में भी देख सकते हैं आप। और देखिए क्राउड जैसे जैसे नौवां दिन आता रहेगा, क्राउड जो है बढ़ता रहेगा। और ये देखिए मंदिर का गेट बहुत ही सुंदर सजाया गया है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट नवरात्र में बताया था कि अगर आप फर्स्ट नवरात्र में आ रहे हैं तो क्राउड कम मिलेगा, और बाद में आ रहे हैं तो धीरे धीरे क्राउड बढ़ता रहेगा। और आज देखिए वही क्राउड है, और ये माता का भवन। और सामने देखिए माता का मंदिर, जहां माता झंडे वाली स्वयं विराजमान है, साथ में माता सरस्वती और काली जी, जिन्हें देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी मन की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। डेकोरेशन जो होती है बहुत ही अद्भुत होती है झंडे वाले मंदिर के, चाहे शरद नवरात्र हो चैत्र नवरात्र हो, यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही यूनिक होती है जो लोगों का मन मोह लेती है। और इस बार देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंजिंग की गई है वो मैं अभी आगे दिखाता हूँ। पहले ये देखिए यहाँ से भी आप माता के दर्शन कर सकते हैं, और क्राउड देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्राउड कम होगा, धीरे धीरे क्राउड बढ़ता ही रहता है। और देखिए ये जगह इस बार जो है डेडिकेटेड की गई है भक्ति सॉन्ग गाने वालों को, और यहाँ पर जो है भजन ही चलते रहते हैं माता के, नहीं तो हर बार यहाँ पर जो है कुछ नया रखते थे, बट इस बार जो है अलग किया गया है कुछ। और देखिए क्राउड देखिए, और यहाँ से दर्शन कीजिए माता के। तो रास्ते जो है कई तरह के रास्ते यहाँ डिवाइड कर दिए जाते हैं, रास्ते कई तरह के डिवाइड कर दिए जाते हैं ताकि लोग जो है कई जगह से आ सके। दोस्तों देखिए क्राउड, तो यहाँ से सामने से दर्शन कीजिए माता के, जय माता की झंडे वाले की। कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से यहाँ पे लगे रहते हैं ताकि मंदिर की व्यवस्था बनी रहे और मंदिर में दर्शन जो है लोगों का इजीली होते रहे। पूरी व्यवस्था मंदिर कमेटी देखती है। और ये माता की जो है प्राचीनतम मूर्ति का वीडियो आप देख सकते हैं, ये मूर्ति पहले लोगों के लिए ओपन थी बट अभी बंद कर दी है। तो और ये देखिए माता की चौकी, और उसके बाद हनुमान जी के साथ आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर सभी माताओं के दर्शन।
दोस्तों, सिद्धपीठ माँ झंडे वाले मंदिर दिल्ली के मध्य में करोल बाग में स्थित है। भारत सरकार ने दिल्ली के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में से इस मंदिर को भी शामिल किया है, क्योंकि इस धार्मिक व ऐतिहासिक महत्वता को आज पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन करने दूर दूर आते हैं और नवरात्रों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और भक्त बस माँ के भजनों में झूमते गाते देवी के दर्शन करते हैं। और दोस्तों, अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो 18वीं शताब्दी में आज जिस जगह पर ये मंदिर है, तब यहाँ पर अरावली सरंकला की हरी भरी पहाड़ियाँ हुआ करती थी। घने वन कलकल करते जो है नदियाँ बहती थी, अनेक पशु पक्षियों का बसेरा हुआ करता था। इस वन की सुंदरता व शांत वातावरण के कारण लोग यहाँ सैर करने आते थे। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बद्रीदास भी आते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे वह तथा माता वैष्णो के भक्त थे। बद्रीदास इस जगह नियमित रूप से सैर करने आते थे, तभी यहाँ पर ध्यान में लीन हुआ करते थे। और इसके बाद उन्हें अनुभूति हुई कि निकट चश्मे के पास एक गुफा में प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। मतलब उनको ख्याल आया, ऐसा सपने में उनको दर्शन दिया माता ने। कुछ समय बाद उन्होंने फिर वही मंदिर दिखाई दिया। उन्हें प्रतीत हो गया कि इस वन में कुछ ना कुछ है। बद्रीदास जी ने जमीन खोदकर देखा तो वहाँ शिखर पर झंडा दिखाई दिया। उसके बाद खुदाई करते हुए माता की मूर्ति प्राप्त हुई, मगर खुदाई में उनके हाथ खंडित हो गए और आज उनकी जगह जो है चांदी के हाथ लगा दिए गए। और जो अभी आप जो है अंडरग्राउंड मूर्ति रखी गई है, जैसे कि अभी आपने देखा। और अब ये मंदिर जो है फेमस हो गया झंडे वाले माता के नाम से, और लोग यहाँ पर जो है श्रद्धा भाव से आते हैं। और दोस्तों, जब भी मंदिर में आते हैं आपको यहाँ पर प्रसाद जरूर मिलेगा, तो प्रसादम यानी कि प्रसाद लेते हुए आप जाएंगे। और ये देखिए, ये मिला मुझे भी प्रसाद। और ये देखिए प्रसादम। अब मैं आपको पूरी मंदिर की जो है जगमगाहट दिखाऊंगा, किस तरह से डेकोरेशन की गई है। देखिए लाइटिंग में मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और चारों तरफ देखिए क्राउड। और यहाँ पर जो है मदर डेयरी ने भी अपना सहयोग दिया है, जैसे कि हर बार वो करते हैं। और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा मदर डेयरी के थ्रू। तो ये एरिया है जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये ऑफलाइन क्राउड है। और दोस्तों, ये हम आ गए बाहर झंडे वाले मंदिर में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सहयोग कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय माता की, जय माता की झंडे वाली की।